नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल मोटो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हैंडपंप या चापाकल। आपने कभी ना कभी हैंडपंप का यूज अपने जीवन काल में किया ही होगा, पर कभी आपने सोचा है यह कैसे काम करता है, कैसे यह 100 फुट नीचे का पानी ऊपर की ओर खींच कर लाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। हैंडपंप से पानी लेने के लिए सबसे पहले जमीन में लंबी लंबी मोटी मोटी पाइप गाड़ी जाती है। हैंडपंप में बेसिकली दो बल्ब होते हैं और एक हैंडल होता है। हैंडपंप में यूज होने वाला बल्ब नॉन रिवर्सिबल बल्ब होता है, यानी कि एक बार उसमें जब पानी आ जाती है तो वह फिर रिटर्न जमीन में जाने नहीं देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चापाकल में पहला बल्ब हैंडल के थ्रू लगा रहता है और दूसरा बल्ब नीचे की ओर लगा है। जैसे ही आप हैंडल को प्रेस करते हैं, हैंडल से लगा हुआ बल्ब क्लोज हो जाता है और नीचे का बल्ब ओपन हो जाता है। अब जैसे ही हम हैंडल को प्रेस करते हैं, वह जमीन से पानी ऊपर की ओर खींचने लगता है। पहले पिस्टन के ऊपरी सतह पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वह बल्ब ऊपर से एयर को जाने नहीं देता है और इस तरह से पानी पाइप के थ्रू धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। जैसे ही हम हैंड को फिर से छोड़ते हैं तो नीचे का बल्ब क्लोज हो जाता है और ऊपर का बल्ब ओपन हो जाता है। सेकेंड बल्ब के क्लोज हो जाने के कारण नीचे से ग्राउंड वाटर से आई हुई पानी नल में ही रुक जाती है, लेकिन यह इतना अमाउंट में नहीं होने के कारण हम इसे निकाल नहीं सकते। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिसके कारण से पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है और जैसे ही वह आउटलेट के लेवल का हो जाता है तो आउटलेट के थ्रू से पानी निकलने लगती है।